Hey guys, this is Raj Kadam here and I'm back with another video. So, आज की वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसमें हम वे प्रोटीन को मास गेनर वेट गेनर से कंपेयर करने वाले हैं. So, before starting this video, I have a good news for you. अगर आप वे प्रोटीन खरीदना चाह रहे हो, then check AL Nutrition. इसके आपको 33 ग्राम के सर्विंग में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 5.5 ग्राम ऑफ BCAA मिलेगा एंड द इंग्रीडियंट्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम USA एंड इसके लैब रिपोर्ट जो आपको दिख रही है दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड. एंड अगर आप इस प्रोटीन को खरीदना चाहते हो, देन चेकआउट पे टाइम मेरा कोड यूज करना मत भूलना, Raj10, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. Before starting this video, a short disclaimer. इस वीडियो में ना ही किसी ब्रांड को टारगेट करना चाहता हूँ, ना ही उनके किसी प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहता हूँ. This is just for information purpose. इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, that will be based on my information, जो भी मैंने रिसर्च की है एंड रिसर्च पेपर्स रीड किए हैं, ये मैं मेरे खुद के मन से नहीं बता रहा. जो भी साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है उसके बेसिस पे मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. हम इस वीडियो में प्रोटीन एंड कार्ब पे फोकस करने वाले. हर एक ग्राम प्रोटीन एंड कार्ब में आपको 4 कैलोरीज मिलेंगे एंड प्रोटीन आपके मसल बिल्ड करता है एंड कार्ब्स आपको एनर्जी देता है. सो जो भी एक्सेस एनर्जी कार्ब से मिलती है वो आपके एडिपोस टिश्यू में स्टोर होती है एंड दैट इज फैट. सो अगर आपने वे प्रोटीन की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखी तो आपको 100 ग्राम के सर्विंग में 70-80 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. एंड अगर आपने मास गेनर्स वेट गेनर्स की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखी देन उसमें आपको अराउंड 10-15% पर 100 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. लाइक This is so much of difference. अगर आपने अच्छा ब्रांड का मास गेनर तभी आपको कार्बन प्रोटीन का रेशियो अराउंड 2:1 या फिर 4:1 या फिर 5:1 भी मिलता है. इसका मतलब है आपके प्रोटीन के कंटेंट के 5 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स या फिर ट्वाइस आपको कार्ब्स मिलेंगे. सो हम ऐसा बोल सकते हैं वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट आता है दैट्स अ प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट एंड जो भी मास गेनर आता है या फिर वेट गेनर आता है दैट इज कार्ब बेस्ड सप्लीमेंट. मतलब वे प्रोटीन में मेन इंग्रेडिएंट प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होता है एंड आपके मास गेनर्स वेट गेनर्स में मेन इंग्रेडिएंट कार्ब्स होता है. तो अगर आप प्रोटीन सोर्सेज एंड कार्ब सोर्सेज को कंपेयर करोगे देन प्रोटीन सोर्सेज बहुत महंगे आते हैं इन कंपैरिजन टू कार्ब. फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने घर में देखा आटा, चावल, शुगर ये सब कार्ब्स के सोर्सेज है एंड ये आपको अराउंड 50 rupees पर केजी मिलेंगे. बट इन केस ऑफ प्रोटीन सोर्सेस लाइक एग्स, चिकन ये आपको बहुत महंगे पड़ते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपको 1 kg चिकन 200 rupees से ज्यादा मिलता है. सो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्ब एक चीप माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको कहीं पे भी मिलेगा एंड हमारे इंडियन डाइट में मेजोरिटी कार्ब्स ही होते हैं. सो आपको अलग से मास गेनर या वेट गेनर लेने की जरूरत नहीं है. इंस्टेंट बाय अ वे प्रोटीन जिससे आपकी डेली प्रोटीन इंटेक कम्प्लीट करने में मदद मिलेगी एंड एक्चुअली ये सब सप्लीमेंट्स है. इंस्टेड ऑफ wasting your money on mass gainers and weight gainers, आप उससे अच्छा वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करो. एंड अगर आपको वो भी सही नहीं लग रहा है देन इन्वेस्ट इन रियल फूड. आपको एग्स, चिकन, ओट्स, फ्रूट्स ये सब बहुत आपको बेनिफिशियल होंगे इंस्टेड ऑफ दिस सप्लीमेंट्स. एंड जो भी कार्ब सोर्सेज इन मास गेनर्स वेट गेनर्स में होते हैं दे आर चीप फॉर्म ऑफ कार्ब सोर्सेज. मतलब इसमें आटा डाला जाता है, इसमें शुगर डाला जाता है एंड इन सम मास गेनर्स वहां पे लिखा रहता है कि नो शुगर एडेड बट उसमें माल्टोडेक्सट्रिन होता है दैट इज हार्मफुल देन शुगर. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज्यादा होता है. सो अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है देन आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आई नो अभी आपको डीमोटिवेटिंग लग रहा है बिकॉज़ यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मास गेनर्स एंड वेट गेनर्स. अगर आपने अपना दिमाग लगाया एक 2 kg का वे प्रोटीन का डब्बा अच्छे ब्रांड का आपको 4000 के ऊपर आएगा एंड अगर आप मास गेनर या फिर वेट गेनर लेते हो वो आपको सिर्फ 3000 के नीचे आपको 5 kg का मिल जाएगा. जस्ट चेक द डिफरेंस. कंपनी ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर आपने मास गेनर या फिर वेट गेनर लिया देन आपका बहुत सारा मसल बिल्ड हो जाएगा एंड जो भी जिस पे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के फोटो लगते आप उस मास गेनर को खाके उसके जैसे बन जाओगे. बट बिलीव मी गाइस वो सिर्फ वो मास गेनर खाने से नहीं हुआ, उन्होंने कितने स्टेरॉइड्स लगाए होंगे, कितने स्टेरॉइड साइकल्स यूज किए होंगे. मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, दे आर वर्किंग देयर एस ऑफ एंड उनको वो स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनको उससे पैसा मिल रहा है. आप अपना दिमाग चलाओ एंड स्पेंड योर मनी ऑन यूजफुल सप्लीमेंट्स, यूजफुल थिंग्स या फिर डाइट पे खर्च करो या फिर अच्छे जिम में जाओ. एंड अगर आपका ट्रेनर सजेस्ट करता है कि आप मास गेनर लो देन चेंज योर ट्रेनर मैन, वो सिर्फ आपसे पैसा कमाना चाहता है. एंड अगर आपको खुद का वेट इंक्रीज करना है या फिर मसल मास बढ़ाना है देन चेक माय दिस वीडियो आउट. इसमें मैंने आपको 1200 कैलोरीज का होममेड मास गेनिंग शेक बताया, वेट गेनिंग शेक बताया एंड दिस इज 1000 टाइम्स हेल्दियर. इसमें केमिकल्स नहीं है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें ऐसा आपको कुछ नहीं है जो आपके बॉडी को नुकसान दिलाएगा. इसमें मैंने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है लाइक मिल्क,
ओट्स, वे प्रोटीन, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा। सो चेक दिस वीडियो आउट एंड एट लास्ट वो पैसे आपके, आप एक तो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप इसे किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप उन पैसों को जला दो। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।